झारखंड सरकार लगातार अपना बकाया केंद्र सरकार से मांग रही है। नीति आयोग की बैठक में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी मांग रखी, साथ ही केंद्र से सूखा राहत के एवज में भी राशि की मांग की है। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का कहना है कि झारखंड का ये बकाया यूपीए सरकार के समय का है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी राजेश कुमार ने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से सहयोग की मांग की थी और जो बकाया राज्य सरकार के अनुसार 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र के पास बकाया है। हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जो सांसद भी हैं। भारत सरकार मोदी जी की सरकार ने इनको लगातार 2 वर्ष में कोयले के 19,000 करोड़ रुपए दिए, साथ ही जो एडवांस टैक्स जिसको कहते हैं हम कह सकते हैं 3,858 करोड़ रुपए। ये कुछ साधारण बात है, पहली बार किसी केंद्र सरकार ने पहला बार ऐसा काम किया कि एडवांस 2 महीने का पैसा देने का काम किया। और अभी इस राज्य की सरकार का देखिए, इतना सहयोग केंद्र सरकार करने के बावजूद 4 महीने में मात्र 12 किलोमीटर सड़क बनी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। बताया जो है आप उसे जेन्युइन मानते हैं? मैं कहना चाह रहा हूं कि यूपीए सरकार के समय का बकाया है और उसके लिए शिबू सोरेन जी भी कोयला मंत्री थे, क्यों नहीं शिबू सोरेन जी दिलवा पाए थे? शिबू सोरेन जी जब कोयला मंत्री तो उन्होंने कहा था कि कोल इंडिया को झारखंड में ले आएंगे। इस प्रकार से कांग्रेस के कालखंड में इस राज्य को बनाने में भी अवरोध पैदा किया था कांग्रेस ने, और यहां पर एक तरह से झारखंड को उपनिवेश की तरह कांग्रेस ने इसका उपयोग किया था छोटानागपुर और संथाल परगना को, और उसी के साथ हाथ मिलाकर के सरकार चला रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग। राज्य की सरकार सभी जिलों का आकलन करते हुए एक रिपोर्ट केंद्र को भेजेगी और केंद्र वहां से एक कमिटी भेजेगी, उसकी एक प्रक्रिया है। सरकार को संवेदनशीलता का परिचय देते हुए किसानों के हित में निर्णय लेना चाहिए। कैमरामैन रोहन के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।